हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ स्टडी इन यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल का स्टडी वीडियो है। आप मेरी वॉइस तो पहचानते नहीं होंगे, आप पहचान जाइए। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल किस के अबाउट सेल जैसे बोल सकते हैं। तो सेल किस तरह के होते हैं, सेल किस किन चीज़ों से बने होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस उनके सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो लेट्स कंटिन्यू। आप जानते हैं जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के बेसिक यूनिट माने जाते हैं। तो जैसे कि हम इनको बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं हमारे बॉडी के। सेल्स हमारे ऑर्गन्स, मतलब हमारे ऑर्गन सेल से बने होते हैं। उनमें से जैसे कार्डियक मसल, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक मसल सब सेल से बने होते हैं। मैं आपको थोड़ा सेल के बारे में लिख के, तो अबाउट सेल, अ सेल, तो देखिए अ सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें इसको आप देख के समझ ही गए होंगे, जो सेल होता है, जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, अ सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो इसमें आपको ये, सॉरी ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आप इसमें समझ पा रहे हैं, इसमें सेल के बारे में जानकारी एक चीज़ बताई गई है। तो इसमें एक और थोड़ा नोट पॉइंट है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये नोट पॉइंट ये है, बैकग्राउंड वॉइस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी इज द, ये उससे मिलता जुलता नोट पॉइंट है। जैसे कि देखिए, द लार्जेस्ट एंड बिगर ऑर्गन इन आवर बॉडी इज द स्किन। तो आप जानते ही होंगे, ये थोड़ा नोट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैं इसके बारे में और आपको बताता हूँ। थोड़ा सेल के बारे में जानकारी देता हूँ। जो सेल की डिस्कवरी 1665 में की गई थी, जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट होग। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि पहले उन्होंने एक वॉल को देखा, उसमें से छोटी सी जगह बची हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा उसको नोटिस किया, फिर थोड़ा उन्होंने उसके बाद कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो लेंस बनाया उससे वो देखा, तो उनको पता चला कि ये मतलब जो बॉडी वॉल होते हैं, प्लांट वॉल, सेल वॉल, ये सब ऐसे, गाइस थोड़ा गलत हो जाता है। तो ये मेरा पहली मिस्टेक थी, पहला चैनल है ना। तो बताता हूँ सेल किस किस टाइप के होते हैं, सेल कैसे होते हैं। तो पहला सेल मैं आपको बताता हूँ, वो होता है रेड ब्लड सेल। दूसरा कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपको बेसिकली पता होगा, गोल गोल साइज में होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, जिनको ऑब्वियसली हम अपने नेक आइट से नहीं देख सकते। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला है। तो अगला भी लीफ सेल होता है, जो जैसे कि पत्तों में जो आपको सेल, जैसे पत्तों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इन सब टाइप में जितने भी होते हैं, सब जो सेल्स जिसमें, इन सब में लीफ सेल्स पाए जाते हैं। इसका भी साइज बता देता हूँ, इसका साइज कैसा होता है। या सॉरी गाइस, बैकग्राउंड वॉइस तो हो गई हर घर में। तो ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। तो यार
गाइस ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का, तो थोड़ा प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो अगला सेल मैं आपको बताता हूँ, अगला सेल होता है स्पम सेल। स्पम सेल बेसिकली इंटेस्टाइन में पाया जाता है, सॉरी इंटेस्टाइन नहीं, स्पम सेल पाया जाता है ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। स्पम सेल बेसिकली यूरिटरी सिस्टम में पाया जाता है, उसके बारे में बताता हूँ। स्पम सेल क्या, मैं अगर इसका मैं बनाऊंगा तो थोड़ा वो नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो इसे स्पम सेल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेल के बारे में बढ़ते हैं। सेल बेसिकली होता है प्लांट रूट हेयर सेल। जैसे प्लांट के अगर कोई रूट निकली रहती है, उन पर आपने बालों को देखा होगा, तो उनके अंदर जो सेल दौड़ते हैं उनका नाम है प्लांट रूट हेयर सेल। ओके, तो इसलिए थोड़ा हेजिटेट मत होइएगा, ये मैं सही बता रहा हूँ। और ये थोड़ा इस टाइप में दिखते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, उसके लिए कोई माफ़ करिएगा। तो ये ऐसे दिखते हैं, थोड़ी सॉरी गाइस, कोई बात नहीं, उसके लिए नहीं। बाकी और भी मैं आपको पार्ट समझाऊंगा इस आज इस अब के लिए खाली इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।